गाइस अभी तीन नए आईफोन लॉन्च हुए हैं, iPhone XS, iPhone XS Max और iPhone XR। और इन नए आईफोन्स में है एक नया फीचर जो हालांकि एक नया फीचर नहीं है, तो इस वीडियो में हम इसी फीचर के बारे में बात करेंगे। तो गाइस रेडी, लेट्स गो। तो गाइस जो तीनों नए आईफोन हैं iPhone XS, XS Max और iPhone XR, वो तीनों डुअल सिम है, तो इसका मतलब आप उनमें दो सिम लगा सकते हैं, लेकिन फिजिकल नहीं, दोनों फिजिकल सिम कार्ड आप नहीं लगा सकते उनमें। उनमें से एक सिम ई सिम है और एक आप फिजिकल सिम कार्ड जो कि आपका नॉर्मल सिम कार्ड होता है वो लगा सकते हैं। तो अब यार लोग सोचेंगे एप्पल ने तो नई चीज़ निकाल दी कोई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ई सिम पहले भी यूज़ हो चुका है, आईपैड के पुराने वर्जन जो थे सेलुलर नेटवर्क वाले उनमें ई सिम यूज़ होता था, और एप्पल वॉच सीरीज 3 में भी ई सिम यूज़ हुआ था, और सैमसंग एयर में, सैमसंग की जो स्मार्ट वॉच आती है उसमें भी ई सिम यूज़ हुआ है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये पहली बार आईफोन में इंट्रोड्यूस की गई है। ई सिम को EUICC भी बोलते हैं, यानी एम्बेडेड यूनिवर्सल सर्किट कार्ड। अब ये EUICC या फिर ई सिम होता क्या है? गाइज ई सिम आपके फ़ोन में, मतलब आपके फ़ोन में एक चिप अंदर ही होती है, तो आप इसको निकाल नहीं सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यार हम ऑपरेटर कैसे बदलेंगे अपना, या हमें कौन सा ऑपरेटर मिलेगा पहले से? जब इस ई सिम में आप स्टार्टिंग में रजिस्टर करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आपके पास जो पहले से ही नंबर है आप उसे किसी और ऑपरेटर में पोर्ट कैसे, मतलब पोर्ट कराना चाहते हैं क्या। और इसमें कोई भी ऑपरेटर चेंज कराना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि बस एक कंपनी की तरफ से QR कोड आता है, उसे स्कैन करके ऑपरेटर चेंज हो जाता है, और आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब फ़ोन पे ही दे सकते हो, जिससे काफ़ी आने जाने का टाइम बच जाता है। अभी सभी कंपनी ई सिम प्रोवाइड नहीं कराती हैं, कुछ ही कंपनीज़ हैं जैसे जियो, एयरटेल या फिर कुछ फॉरेन की कंपनीज़ हो गई, AT&T वगैरह वगैरह, लेकिन ये ई सिम टेक्नोलॉजी ही आने वाले समय में हमारे फिजिकल सिम कार्ड्स को रिप्लेस करेगी। खैर ये तो बात होगी ई सिम की, पर एक बात और है, एप्पल चाइना में अलग आईफोन बनाएगा। ये जो तीनों नए आईफोन आए हैं वहाँ पे ऐसे आईफोन आएंगे, मतलब डुअल सिम, दोनों फिजिकल सिम वाले, एक ही ट्रे में दोनों साइड सिम लगेंगे। अब जब एप्पल बना ही रहा है ये दोनों फिजिकल सिम वाले, तो सबको ही दे देते, पर पता नहीं एप्पल ने ई सिम क्यों निकाला है, पर अच्छी बात है।